हेलो एवरीवन, KVSPRT में मेरे जो नंबर आए हैं वो मैं आपसे सबके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगी कि मेरी प्रिपरेशन कैसी रही थी, तभी आप शायद जज कर पाएँ कि क्या नंबर सही है या नहीं। और दूसरी बात कि कितने सारे लोग हैं जो यहाँ पे अपना KVSPRT एग्ज़ाम के या TGT PGD के नंबर शेयर कर रहे हैं, तो उसके पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पे लोग एक चीज़ मिस कर रहे हैं, जो अपना शिफ्ट नहीं बता रहे हैं कि कौन से डेट में उनका एग्ज़ाम हुआ था और कौन से शिफ्ट में उनका एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि डेट और शिफ्ट बहुत यहाँ पे मायने कर रहा है। और मेरा जो शिफ्ट रहा है, मैं पहले वो बता दूं, जो मेरा शिफ्ट रहा है वो रहा है 21 फरवरी का पहला शिफ्ट था मेरा, मतलब पहला एग्ज़ाम पहला शिफ्ट था मेरा। तो जहाँ तक मैं लोगों से सुन रही हूँ, देख रही हूँ, पता चल रहा है कि जिनका 21 और 22 फरवरी का जो एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम में लोगों के 95 to 115 नंबर बन रहे हैं। और मेरी जो प्रिपरेशन की जर्नी रही है वो ये थी, जैसे ही फॉर्म आया था, सबने फॉर्म भरा और मैंने भी तब से तैयारी शुरू कर दी थी और काफ़ी ज़ोर शोर से शुरू की थी तैयारी, और मेरा सिलेबस भी ऑलमोस्ट कवर हो गया था, मैंने पेड कोर्स भी ली हुई थी और ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी थी। और एग्ज़ाम से 10 दिन पहले जो प्रैक्टिस का टाइम होता है, जो बहुत ज़्यादा खुल कर ढेर रिविज़न करते हैं, उस वक्त में मेरे साथ एक हेल्थ इशू हो गया, जिसकी वजह से मैं पूरे 10 से 12 दिन ऑलमोस्ट 13-14 दिन मैं कोई भी रिविज़न नहीं की, कोई तैयारी नहीं की, मैंने कोई वीडियो कोई बुक नहीं देखा ड्यू टू हेल्थ इशू, और जिसकी वजह से बहुत इफ़ेक्ट हुआ है मेरे नंबर पे। मुझे लगता है कि अगर मैं इसको अच्छे से कर पाती तो 10 से 12 नंबर मेरे और बन जाते डेफिनेटली। तो ये आप इससे मेरी किस्मत कह लो या बैड लक जो भी है, तो ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया था मेरे साथ। तो जो मेरे नंबर बन रहे हैं वो है पूरे 100 नंबर बन रहे हैं, और इसमें तो उम्मीद करना बिल्कुल ही, मतलब ये चांस ही नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा उम्मीद है कि अभी जब नॉर्मलाइजेशन वाले नंबर आएंगे उस टाइम में मेरे 6-7 नंबर तो पक्का बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट हो रहे हैं। अच्छा, मेरा कौन सा सेक्शन जो सबसे ज़्यादा मुझे इफ़ेक्ट किया वो दो था, एक पैडागोजी था, दूसरा EVS था। पैडागोजी में ड्रेस्टिक गलतियाँ हुई हैं, ड्रेस्टिक नंबर मेरे कटे हैं पैडागोजी में। अनएक्सपेक्टेड मेरे 50-50 नंबर आए हैं, 50-50 नंबर, मीन्स 60 में से मेरे ऑलमोस्ट 26 मार्क्स जो थे वो कट चुके थे, और बाकी के 32 नंबर मेरे 32-34 ऐसे ही मेरे सही हुए हैं। तो इतना ज़्यादा बुरा मेरा पैडागोजी रहा नहीं है, मेरा पैडागोजी में अच्छा कमांड था, लेकिन नहीं हो पाया। ये मुझे भी थोड़ा सा, हालांकि जब मैं एग्ज़ाम भी देने गई थी तो मेरी तबीयत उस वक्त कुछ खास ठीक नहीं थी, बट ठीक है, वो कोई मायने नहीं रखता। फिर भी मैं इतना बुरा रिस्पांस तो नहीं हो सकता था, बट मेरा इतना बुरा रिस्पांस रहा। दूसरा ईवीएस सेक्शन में मुझे लगा था हार्डली 20 में 16 तो आएंगे, कितना भी गलत हो तो 16 नंबर तो आएंगे, बट मेरे 12 नंबर ही आए हैं, 8 नंबर कट गए हैं, वो भी एक बहुत ही पॉइंट वाली बात है। बट मैं ये कहना चाहूँगी, 21st शिफ्ट का जो जब मैं एग्ज़ाम दे के आई थी तभी मुझे समझ में आ गया था कि मेरे 100 से 110 के बीच ही नंबर आने वाले हैं, क्योंकि पैडागोजी सेक्शन बहुत ज़्यादा घुमाया था और उसके ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा घुमाए थे, और मुझे लगता है ये कारण रहा है कि पैडागोजी में, मुझे लगता है मेरे वाले शिफ्ट में बहुत से लोगों ने ये गलतियाँ की होगी, क्योंकि पैडागोजी में आई नो मेरा कमांड बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा है। और आप सब कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर जो देख रहे हो उस पर कमेंट में ज़रूर बताएं कि किनके साथ ये हुआ है और क्या क्या शिफ्ट रहा है आपका। आप लोग अपना शिफ्ट के साथ ही, जो आपका शिफ्ट रहा उसके साथ ही आप बताएं कि। तो ये थी मेरी KVS की जर्नी, KVSPRT एग्ज़ाम की जर्नी। अब आगे तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तैयारी तो जारी रखनी चाहिए, हमें करते रहना चाहिए, थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहनी चाहिए। और आप सबको वेरी ऑल द बेस्ट, होप आप सबकी मेहनत भी काम आए और सेलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच।